आर्मी चीफ बिपिन रावत की पाकिस्तान को चेतावनी, बोले एलओसी पार करने से नहीं हिचकेगी सेना। हरियाणा में परिवार को एकजुट करने में नाकामयाब रहे अभय चौटाला का सबसे मुश्किल इम्तिहान। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की मुश्किलें और बढ़ी, सांसद भाई डीके सुरेश को ईडी का नोटिस। चिन्मयानंद रेप केस में योगी सरकार ने कांग्रेस की पदयात्रा पर लगाई रोक, जितिन प्रसाद नजरबंद। घर के बाहर आया लालू परिवार का झगड़ा, आधी रात को बहू ऐश्वर्या दरवाजा पीटती रही लेकिन नहीं खुला दरवाजा। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब लुका छुपी का खेल नहीं चलेगा और जरूरत पड़ी तो हम एलओसी पार करने से नहीं हिचकेंगे। बिपिन रावत ने यह बयान टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, बालाकोट के फिर से सक्रिय होने और 250 से अधिक आतंकवादियों के भारतीय सीमा में प्रवेश की कोशिशों के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है और हमें पता है कि आगे क्या करना है। बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुछ आतंकियों को भारत में प्रवेश कराने की लगातार कोशिशें कर रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि इस समय आतंकियों के सामने कश्मीर घाटी में कोई लीड करने वाला नहीं है। ​​2019 का विधानसभा चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल के लिए गठन के बाद से सबसे मुश्किल चुनाव है। एक तरफ पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवार में पड़ी फूट की वजह से दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी का इनेलो में विलय करने से भी इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में महज 2% वोट पाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा चुनाव पूर्व नेता विपक्ष अभय चौटाला की अगुवाई में लड़ेंगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और डीके शिवकुमार के अलावा भी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जब ईडी ने कांग्रेस के एक और सांसद डीके सुरेश को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। सुरेश बेंगलोर रूरल संसदीय इलाके से कांग्रेस के सांसद हैं। डीके सुरेश कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचन डीके शिवकुमार के भाई हैं। डीके शिवकुमार के दिल्ली में पैसे रखने वाले ने डीके सुरेश का नाम बयानों में लिया। बयान के आधार पर डीके सुरेश को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें इसी सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। खबरों के मुताबिक डीके सुरेश के जरिए ईडी एलआईसीसी तक पहुंचना चाहती है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 1 अक्टूबर तक न्याय हिरासत में भेजा है। गौरतलब है कि शिवकुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। स्वामी चिन्मयानंद रेप मामले में पीड़ित छात्रा के पक्ष में कांग्रेस की पदयात्रा पर रोक लगाते हुए प्रशासन ने कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को नजरबंद कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम के टेंट को भी उखड़वा दिया है और शाहजहांपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए उसे पदयात्रा निकालने की इजाजत देने से मना कर दिया। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया, इस समय जिले में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, रामलीला के कारण धारा 144 लागू है। इस कारण यात्रा की अनुमति नहीं दिया जाना संभव है। वैसे भी यात्रा की अनुमति के लिए 7 दिन पहले आवेदन करना पड़ता है, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया है। त्योहार भी शुरू हो गए हैं, ऐसे में अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पहले भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने इस बार भी कहा कि प्रदेश सरकार का अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रियंका ने ट्वीट कर ये भी कहा,
आप उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के दावों और उनकी हकीकत का मिलान करके देखिए। बीजेपी सरकार हर रोज राज्य को अपराध मुक्त करने का ढोल पीट रही है, जबकि सच्चाई ये है कि 22 दिनों में 12 गोलीकांड, 4 हत्याएं और महिलाओं पर अत्याचार। प्रदेश सरकार का अपराध कोई काबू नहीं है। पटना में पूर्व सीएम रावड़ी देवी के घर के भीतर का झगड़ा घर के बाहर आ चुका है। बीती रात भी ये चलता रहा। बारिश के बीच भी लालू प्रसाद यादव और रावड़ी की बहू घर के बाहर खड़ी रही, क्योंकि गार्ड ने दरवाजा भीतर से बंद कर रखा था। ये सब तब हुआ जब बहू ऐश्वर्या ने अपने पिता को फोन कर घर बुलाया। जब पिता रावड़ी के घर पहुंचे तो ऐश्वर्या उन्हें लेने बाहर गई। तभी गार्ड ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और वो दरवाजा पीटती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। इसके बाद रावड़ी आवास पर ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय के समर्थक पहुंच गए। चंद्रिका राय और उनकी पत्नी पूर्णिमा राय अपनी बेटी ऐश्वर्या के साथ रावड़ी आवास के एक तरफ धरने पर बैठ गए। हालांकि अब खबर है कि चंद्रिका राय और रावड़ी देवी के बीच सुलह कराने की कोशिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने परिवार के सदस्यों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा था कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी और मीसा भारती ने उनके साथ मारपीट की है और खाने के लिए खाना भी नहीं दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ऐश्वर्या का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो रोते हुए घर से बाहर जा रही थी। जानकारी दे दी कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या के साथ पिछले साल मई में हुई थी।